हेलो दोस्तों, जोहार सब हमको और स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और अभी हम लोग है स्टेट हाईवे 3 पर और आज हम लोग जा रहे हैं मर्चा बाजार। चलो भाई, ये रांची सिमडेगा रोड है गैस, और यहाँ एक चौक ऐसा पड़ता है जिसका नाम है मर्चा मोड़। और वहाँ से अगर आप लेफ्ट जाइएगा तो वो ले जाती है आपको रनिया, और राइट ले जाती है सिमडेगा। तो आगे आप देख सकते हैं ये चौक है, और यहाँ से हम लोग लेफ्ट जाएंगे। ये रास्ता आपको बानो भी निकालता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप रांची से रनिया, सोदे, मनोहरपुर और किला जा रहे हैं तो ये रास्ता आप ले सकते हैं। ये आपको नज़दीक पड़ता है थोड़ा। इस रास्ते में आगे काफ़ी घाटी और जंगल वगैरह मिलता है दोस्तों। तो अगर आप कभी जा रहे हैं इस रास्ते पे तो सावधानी से जाइएगा। और उधर आप देख सकते हैं वो है बाजार, और इधर सामने से व्यापारियों की गाड़ी माल अनलोड करके लौट रहा है। तो चलिए, यहाँ से राइट लेंगे तो यहाँ से आपको पड़ता है बांडा बाजार के लिए शॉर्टकट, लेकिन शायद अरे ये तो बंद है। तो चलिए हम लोग आगे से लेंगे, तो फिर आगे से हम लोग बाजार होते हुए जाएंगे वो बांडा बाजार। तो दोस्तों, मर्चा चौक से लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं मर्चा बाजार, और यहाँ से हम लोग राइट लेंगे तो ये रास्ता मेन रास्ता है बाजार के लिए। तो हम लोग बाजार होते हुए जाएंगे। और अभी हम लोग को लग ही रहा था कि हम लोग बहुत पहले आ गए हैं, तकरीबन 12:30-1 बज रहा होगा। तो अभी बाज़ार लग ही रहा है, अभी शुरू नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं जैसे टेम्पो वगैरह में अगल बगल के व्यापारी अपना सामान अनलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हर मुख्य बाज़ार के बगल में या फिर कुछ दूर पर एक बांडा बाज़ार लगता है, और साथ में ही एक छोटा सा हड़िया भट्टी भी लगता है। तो ऐसा ही कुछ है इस मर्चा बाज़ार का भी। तो चलिए हम लोग अभी आगे जा कर देखेंगे किधर लगता है बांडा बाज़ार। आप देख सकते हैं इधर मिठाई वगैरह बन रही है, और इधर छोटे छोटे होटल हैं जहाँ पे आदिवासी पकवान वगैरह बनते हैं और बेचे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अभी जाएंगे बांडा बाज़ार की ओर। और वो राइट साइड में आप देख सकते हैं वो है रनिया मेन रोड। बांडा बाजार, और यहाँ बिक्री स्टार्ट हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से ये बाजार भी नहीं लगा है। तो आप देख सकते हैं ये कटिंग वगैरह चल रहा है, खरीदार लोग आ गए हैं, और उधर देख सकते हैं एक बांडा अभी रेडी होने वाला है। और कमजोर दिल वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो इस पोर्शन को स्किप कर दें, क्योंकि शायद वो इसको देख ना पाए। ये क्या है? तो चलिए, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इधर देख सकते हैं एक नया बांडा लाया गया है, इसको हलाल करने के लिए रेडी किया जा रहा है। अरे बाबा! और आप देख सकते हैं कि ग्राहकों का भी काफी भीड़ लगा हुआ है। इस बाजार में मीट का रेट काफी सस्ता है दोस्तों, शायद ही आप लोगों को किसी और बाजार में मिलेगा। अगर किन्हीं को कभी खाने का मन करे तो ये बाजार में आ सकते हैं। मैं तो बस आप लोगों को ये दिखाने के लिए आया हूँ, मुझे तो लेना है नहीं। तो गैस, यहाँ 50 रुपये किलो बांडा बेचा रहा है, देख सकते हैं पूरा उधर तक बांडा बाजार लगा हुआ है। और चलिए लोग यहाँ से वापस आते हैं। तो गैस, यहाँ हड़िया भट्टी लगता है, और उधर तो आगे जाने से उधर बांडा बाजार उधर आगे है। और देख सकते हैं इतने तो लोग बांडा खरीदने गए थे पर लिए नहीं। तो चलते हैं हम लोग सजो करा ले लेंगे बाजार तरफ। ठीक है, तो दोस्तों जा रहे हैं पोकला, करते हैं टाटा और मिलते हैं हम लोग फिर घर में। और दोस्तों, ये रहा मेन बाजार, अभी भी ठीक से लगा नहीं है। खाना कैसा? 130 रुपये केजी है बॉयलर। तो कहते हैं चिकन ले लिया हम लोग, गाड़ी इधर खड़ा कर देंगे, पैदल घूमेंगे बाजार। तो दोस्तों, इस छोटे से बाजार में आसपास के छोटे व्यापारी अपना अपना दुकान लगाते हैं अलग अलग सामान का। रोजमर्रा की जितने भी जरूरत की चीजें होती है सब इस बाजार में मिल जाता है। इधर देख सकते हैं पूजा वगैरह का सामान है, बच्चों का भी, छोटे छोटे बच्चों का जो फीता वगैरह चूड़ी वगैरह होता है वो इधर बेचा रहा है। और इधर आप देख सकते हैं राशन है, इधर फिर है आपका बैग का दुकान, और कुछ आगे चलेंगे तो कोने में इधर महुआ बेचा रहा है। ज्यादा व्यापारी आए नहीं तो क्योंकि मौसम ही खराब है। इस साइड में लकड़ी बिक्री होता है दोस्तों,
और इधर है कपड़ा बाजार, और इधर छोटा छोटा होटल है। अभी कुछ बना नहीं है, अभी लोग पहले ही आ गए हैं। तो गैस ये बाजार भी अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है, जैसे कि इधर देख सकते हैं कपड़ा वाला अभी जस्ट खुल ही रहा है, इसीलिए ज़्यादा बाजार भी नहीं लगा है। बारिश भी करने वाला है, देख सकते हैं ऊपर काले बादल, इसलिए पूरा बाजार नहीं लगा आज। और यहाँ तक देख सकते हैं कपड़ा का सेक्शन है, फिर आगे जाएंगे तो राइट साइड में देख सकते हैं इधर जूता चप्पल का है दुकान सब। और ये बाई और गर्म गर्म पकवान बन रहे हैं, समोसा जलेबी वगैरह। तो इधर गांव के ही एक दादा बोदी बेच रहे हैं ताज़ा ताज़ा 10 रुपये मुट्ठा करके। तो चलिए हम लोग घर के लिए भी ले लेते हैं कुछ। कैसे छिलका दादा 10%? तो गाइस बारिश होने वाला है, इसलिए लोग घर की ओर बढ़ रहे हैं। अभी और रुकेंगे तो बारिश में लोग भीगने का संभावना है। ये बाजार होते हुए हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को एक छोटा सा नज़ारा दिखा दिया हूँ मार्चा बाजार का। और चूंकि बारिश भी होने वाला है इसलिए पूरा बाजार लगा नहीं है, जब पूरा बाजार लगता है तो ज़्यादा ही भीड़ हो जाता है। चलिए अभी हम लोग इधर से निकलेंगे और मार्चा मोड़ की ओर बढ़ेंगे। हमला का मुर्गी तो भाई कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा है, चुप कराना होगा इसको। हाँ ये कर लो पहले। तो बस इसी रास्ते ही है मेन रास्ता मार्चा बाजार का, और यहाँ से लोग रनियाला रोड को पकड़ेंगे। ये रहा रोड। और ये सीधे हम लोग निकालेगा ये रास्ता मार्चा मोड़। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं मार्चा मोड़, और यहां से लेफ्ट जाइएगा सिमडेगा और राइट आपको रांची ले जाती है। तो गाइस ये रोड आपको ले जाती है सीधे रांची और पीछे सिमडेगा। तो चलिए गाइस हम लोग का शॉपिंग तो हो गया बाजार में। तो गाइस जैसे कि हम लोग चिकन लिए हैं बिरयानी बनाने के लिए, तो यहां दुकान से कुछ बिरयानी बनाने का सामग्री ले लेते हैं। तो ये रहा हमारा मुर्गी, और यहाँ पे जाली वगैरह भी घेरा लगाने के लिए मिलता है, और यहाँ से लोग लेंगे बिरयानी के लिए सामान। हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लंबा दाना वाला बिरयानी चावल नहीं होगा। लंबा दाना वाला देखेंगे। तो गैस लंबा दाना वाला तो मिला है नहीं, इसलिए छोटा ही दाना ले जा रहे हैं। थैला हो गया है फुल। अब हम लोग बढ़ते हैं घर की ओर। टांगने भी नहीं बन रहा है, पर अब झोला भर गया है सामान से, और इधर हम लोग का मुर्गी टंगा हुआ है। गजब टूटी बाजार। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं घर की ओर। तो गैस हम लोग का शॉपिंग तो हो गया बाजार में, पैसा बर्बाद। तो चलिए अब लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।